जरा बोलिए। हेलो हेलो 1 2 3 ये आ रही है, आप आ रही है? पहले आप ब्रीफिंग के लिए, हाँ पहले आपको बताना। थोड़ी सी चेयर आगे कर, सीधी करें, सीधी करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चेयर ना, चेयर सीधी कर लें थोड़ी सी, एक सेकंड, एक सेकंड उठिए, उधर आइए, सीधी करवा लें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप सब मीडिया की बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए। आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पर सैयद एहसन अब्बास, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी, उनसे गुजारिश करूँगी। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमें सुनने के लिए आए, हमें मौका मिला। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एहसन, मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले ब्रीफिंग दें और मीडिया को बताएं, और उसके बाद मेरी वालिदा बात करेंगी और उसके बाद मैं। नहीं, आवाज़ नहीं आएगी, इधर आ जाएं, आवाज़ नहीं आएगी, मैं बता रही हूँ, आवाज़ नहीं आएगी। उठे सर, मैं पीछे आ गई, आप पीछे। ये पीछे कर देंगे, कुर्सियों को पीछे कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हमने पिछले एक डेढ़ हफ्ते से हम एक कब्ज़ा माफिया, एक ब्लैकमेलर जिसका नाम मियां शाहिद महमूद वल्द मोहम्मद इस्माइल है, उसके चुंगल में फंसे हुए थे। और पुलिस 15 पे कॉल के बाद पुलिस ने इस पूरे गैंग को अरेस्ट किया है। इस गैंग का जो सरगना है मियां मोहम्मद मियां शाहिद महमूद वल्द मोहम्मद इस्माइल, इसने हमारी प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा करने की, जालसाजी करने की, ब्लैकमेल करने की और हमें धमकाने की बहुत कोशिश की। और हमारी प्रॉपर्टी पे इसने गुंडे भेजे M4 राइफ़ल्स के साथ, जिन्होंने वहाँ पे हमला किया, मुझ पे भी हमला किया और मेरी वालदा पे भी हमला किया। और पुलिस 15 पे बर वक्त पहुँच के इनको, इन हमलावरों को रोका और इनको पुलिस स्टेशन लेके गई, अरेस्ट किया। इनके कब्ज़े से बंदूकें, M4 राइफ़ल्स, जो अमेरिकन प्रॉपर्टी है, जो सिर्फ अमेरिकन आर्मी के पास होती है, मेरे ख्याल से स्मगल होके पाकिस्तान में आई, ये इस ग्रोह तक पहुँची। इस ग्रोह का, मियां शाहिद महमूद का, मैं ये बताऊं कि इसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है और ये मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल है। ये पाकिस्तान के बहुत बाइज़त लोग जो सियासत में हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में हैं, ये उनको ब्लैकमेल करता है। मैं अपनी एजेंसीज़ को भी, FIA को, ISI को और IB को, प्लीज़ ये आगाह करना चाहता हूँ कि इस बंदे की आप रेखी करें, इस बंदे के बारे में जानें, क्योंकि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी के नाम पे पाकिस्तान में आया हुआ है और यहाँ पे ये लोगों की तस्वीरें या उनके साथ महफिलें सजा के उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। और मुझे ये यकीन है कि हमारी एजेंसीज अगर इस ग्रोह के सरगना मोहम्मद शाहिद महमूद तक पहुँचेंगी, जिसकी सारी कंपनियाँ यहाँ पर जाली हैं, हमारी एजेंसीज़ को ये पता ज़रूर चलेगा। मुझे यकीन है कि ये किस किस की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल रहा है, किस किस कब्ज़ा माफिया का साथ देता रहा है, किस किस की प्रॉपर्टीज़ पे इसने कब्ज़ा किया है और कौन कौन से करप्ट अनासिर हैं पाकिस्तान के, करप्ट ऐसे लोग जो पाकिस्तान से पैसा बाहर भिजवाना चाहते हैं और जो मियां शाहिद महमूद जैसे लोगों को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ये ब्रिटिश फॉरेन हाफ ब्रिटिश नेशनल है,
तो इसको कुछ रास्ते ऐसे आते होंगे जो ये पाकिस्तान से बाहर पैसे भिजवाने में आलाकारी या लोगों की मदद फ्राहम करता होगा, और मुझे यकीन है कि इसके ऊपर जब ये इन्वेस्टिगेशन हमारी एजेंसीज करेंगी तो बहुत से ऐसे राज खुलेंगे, बहुत से ऐसे पर्दे उठेंगे, बहुत से ऐसे लोगों के पैसे का पता चलेगा जो इसके थ्रू बाहर गए हैं। मैं क्योंकि हमें ये पता चला जब इसने हम पे ये झूठे इल्ज़ाम लगाए, मेरी वालदा के ऊपर हमला किया, मेरी वालदा की प्रॉपर्टी, मेरी बहनों की प्रॉपर्टी, मीरा की प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश की, उसके बाद हमें ये पता चला कि इसके ऊपर मुतअद्दिद एफआईआरें हैं। और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि ये बहुत सियासतदानों का नाम लेता है। चूँकि मैं गवर्नर साहब को जानता हूँ, गवर्नर सरवर साहब ये भी फॉरेन से हैं, लेकिन गवर्नर साहब का नाम लेकर, ये मुख्तलिफ सियासतदानों का नाम लेके मैं हमें बताता था कि मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, मैं फलां को जानता हूँ। और मीरा भी अभी पर्दा एक चीज़ से उठाएंगी कि इसके ताल्लुकात मखदूम अमीन फ़हीम के थ्रू हमसे ये फैमिली फ्रेंड बना, और इसने किस तरह उनकी भी प्रॉपर्टीज़ गबन की और उनके साथ भी ज़्यादती की और हमारे साथ भी ज़्यादती करने की कोशिश की। बाकी मैं प्रेस का बहुत मशकूर हूँ, आपने हमारा साथ बहुत दिया। जब जी हम पे हमला हुआ, जब पुलिस वहाँ पे आई तो प्रेस ने इसकी रुदात से पर्दा उठाया। हमारी पुलिस का मैं बहुत मशकूर हूँ, हमारी पुलिस ने ऐन वक्त पे, ऐन मौके पे आके जब हमने 15 की कॉल चलाई, एसपी साहब, डीएसपी साहब, वहाँ के जितने भी इंस्पेक्टर हो गए, हवलदार हो गए, वो पहुँचे, उन्होंने अपनी जान पे खेल के हमारी जान बचाई। मैं आई विटनेस हूँ इस चीज़ का कि इन्होंने M4 राइफल्स, जिसके अंदर लोडेड वेपन था, जो इन्होंने गोलियां चलाने की कोशिश की और हम बच गए। ये सर पुलिस की ये पिक्चर, मैं इन लोगों का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने इस कब्ज़ा माफिया को पकड़ा और इस शाहिद महमूद को इंशाल्लाह कैफरे करदार तक पहुँचाएँगे। ये जी पुलिस की मैं वीडियोज़ भी शेयर करूँगा, मैं इसके डॉक्यूमेंट्स भी मीडिया के सामने सारे शेयर करूँगा। जो जो इसने फ्रॉड मेरी मालदा के साथ किया वो सारा कुछ मेरे पास, ये सारी फाइलें इसी की हैं, ये FIR हैं। इसका आईडी कार्ड डालें, मुख्तलिफ फ्रॉड की मुतद्दिद FIRें आएंगी। और इसने मेरी वालदा के ऊपर करोड़ों की जालसाजी और जाली रसीदें बनाकर कहता रहा है कि मेरी वालदा करोड़ों रुपया रिसीव करती रही हैं, और कभी 3 करोड़, कभी 6 करोड़, इस तरह करके ये कैश की सूरत में देता रहा। मेरी वालदा की उम्र इतनी नहीं है कि वो 3 करोड़ कैश मसूल करें और उसको गिने, बल्कि मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं कि जो इसके डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल ही आपके सामने अलिफ वो कर देंगी कि ये झूठ बोल रहा है। वो अभी मैं आपके सामने सारे सबूत, सारी चीज़ें पेश करूँगा। बहरहाल मैं अपनी एजेंसी से दोबारा ये रिक्वेस्ट करूँगा, इस बंदे के ऊपर आप इसको इंटेरोगेट करें। ये मनी लॉन्ड्रिंग में मैं यकीन से कहता हूँ कि ये करप्ट अनासिर का इस टाइम आलाकार बना हुआ है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हम पे प्रेशर डालने की कोशिश की, हमें धमकाने की कोशिश की। वो हमारे नामवर लोग हैं, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारी एजेंसीज इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगी कि ये किन किन सियासतदानों के साथ बैठता है, किन किन सियासतदानों के साथ उठना बैठना है, कैसी कैसी ब्यूरोक्रेसी को ये ब्लैकमेल करता है। और मुझे यकीन है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी को ब्लैकमेल करता है, क्योंकि मेरे पास ऐसी कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी मैं मीडिया पर तस्दीक के बगैर नहीं करना चाहता, लेकिन इंशाल्लाह उनसे भी मैं बहुत जल्द पर्दा हटाऊँगा। अब मैं मीरा को बताता हूँ कि प्लीज़ वो आएँ और अपना मौकफ भी दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने कुछ हमें कहना? जी अस्सलाम वालेकुम। इधर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आप आवाज़